ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਵਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। संस्था के प्रधान सनी सरोवा ने कहा कि जेकर फाजिलका जिले के फैक्ट्री लग जाती है तो जिले का काफ़ी नुकसान होएगा, जिसके चलते उन्होंने वालों इस धरने का समर्थन किया गया। उन्होंने कहा कि जदों तक संघर्ष चलेगा उदों तक उन्होंने संस्था इस दे विच पूरा साथ देगी। फाजिलका दे विच लगन जा रही शराब फैक्ट्री का लगातार विरोध किया जाएगा। मेरा नाम जी सनी सरोवा है, तो मैं नैवर गिवअप संस्था फाजिलका का प्रधान हाँ। अज साड़ी नैवर गिवअप समाज सेवा संस्था फाजिलका की पूरी टीम मेरे नाल हीरावाली के अंदर जो शराब की फैक्ट्री लगन जा रही थी, जिदा काम जो है पिंडा वल दे जिहड़े पंचायत है तो लोग ने उन्होंने रुकवाया है, तो वो विरोध करने वास्ते अज इस रोड के उत्ते जो बड़े दिनों तो धरना चल रहा है, तो असी इस धरने का नैवर गिव समाज सेवा संस्था फाजिलका की पूरी टीम की तरफ तो समर्थन करते हैं, तो सरकार तो मांग करते हैं कि साढ़े जिले तो यह जो शराब फैक्ट्री है बाहर जाए। देखो जी जदों पता है कि जदों इस चीज़ का नुकसान है तो बड़े नुकसान है, एक तो साड़ा पंजाब जिहड़ा शूरवीर की धरती है, तो साढ़े फाजिलका की जी गल करिए इत्थे बड़े साढ़े फौजी वीर जिहड़े ने सेना के अंदर भी ने, तो असीं तो उन्हां तों प्रेरणा लैंदे हां जी। तो शराब की फैक्ट्री का जिहड़ा बीमारियां बहुत आणगियां, हवा के भी प्रदूषण फैलेगा, पर साडा तो मनना ही है जी असीं फैक्ट्री फाजिलका च नहीं लगन देणी, क्योंकि यह कल्ले पिंडां दा मसला नहीं है, मसला शहर का भी है, साडी पिंडां तों बगैर गति नहीं है। देखो जी अज असी पूरी टीम के नैवर गिव संस्था पहुंची है, तो बाकी जरूरत पैण तो जो भी सानू संघर्ष कमेटी जिहड़ी भी ड्यूटी लाऊगी असी उन्हां दे नाल खड़ांगे। मेरा नाम सुनील कश्यप है जी। जी की कहना चाहोगे धरने नूं लैके? असी इस धरने का अज समर्थन करन पहुंचे हैं, क्योंकि जिहड़ी फैक्ट्री है वह जिले के अंदर लग रही है, तो जिला अपना फाजिलका है, तो इस करके असी नहीं चाहते कि साढ़े जिहड़ी फाजिलका की रीढ़ की हड्डी है, युवा साथी है, वह साढ़े कमजोर हो, क्योंकि जो दारू की फैक्ट्री इत्थे ही लग गई तो इत्थे ही पीणगे, इत्थे ही डिगणगे, तो इत्थों ही बर्बाद होणगे, तो जिहड़ा अपना फाजिलका जिला बनया है उस तो बाद जिहड़े अपने युवा साथी है तो अपने जिले के अपना सारे का नाम खराब होगा। जदों की जिहड़े कि कहिंदे सीगे कैप्टन साहब कहिंदा सी गुटका की खत्म कसम खा के कि असी नशा खत्म करांगे, पर यह फाजिलका नूं बर्बाद करन दी तैयारी हो रही है फैक्ट्री की। पर मैं इन्हां हीरा वाले की तारीफ करदा जिन्होंने टाइम नाल ही मोर्चा सांभलिया, तो असी इस मोर्चे नूं समर्थन करन आए हाँ। ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੁਵਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 300-400 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਘਰੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਪੜਦਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਊਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ